Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जब आप सुनते हैं दिवाली पास आ रहा है तो आप कई चीजें प्लान करते हैं, जैसे कि एंट्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है जो घर के अंदर मेन एनर्जी या ऊर्जा लाता है, इसीलिए वो बहुत ही सुंदर और आकर्षित होना चाहिए। ये एक फैमिली के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी का भी एंट्री पॉइंट है। इस दिवाली के शुभ मौके पे ध्यान दें मेन द्वार इतना इक्विप्ड हो कि सारी नेगेटिविटी दूर कर ले और आपके घर के एंट्रेंस ही वो जगह हो जहाँ से खुशियाँ और गुड लक आपके घर आए। इसीलिए जितना हो सके सुंदर और साफ रखें। आखिर मेन डोर ही आपके घर का फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है, इसीलिए मेक श्योर अच्छे से दिए और लाइट्स, कलरफुल रंगोली और ऊपर तोरण से सजाएं, जो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और गुड लक भी आकर्षित करता है। उल्ली में पानी भर के फ्रेश फ्लावर से सजाएं, पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट होंगी। आई विश काश यहाँ मेरे पास एक प्रॉपर उल्ली होता इस दिवाली के मौके पर। फॉर दैट मैटर मुझे उल्ली बहुत पसंद है, जो सिंपली किसी भी जगह के एस्थेटिक्स को एक दूसरे ही लेवल पे पहुँचा देती है। डू नॉट वरी, अगर मेरी तरह आपके पास भी उल्ली नहीं है तो आज के वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से अपना कस्टमाइज्ड उल्ली और फेरी फ्लावर से दिया बनाएंगे और तोरण आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तोरण का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर देखिए। चलिए शुरू करें उन चीजों से जो भी आपके घर पर अवेलेबल है। उल्ली के लिए कोई भी डेकोरेटिव या सिंपल प्लेट और बाउल लें, जो भी घर पर अवेलेबल हो। जैसे मैंने ये वुडन बाउल लिया, डॉयली जो कि ऑप्शनल है, कुछ एक्सेंट रॉक्स व्हाइट प्रेफर किया। बाउल को प्लेट के सेंटर में रखें और प्लेट को एक्सेंट रॉक से भर दें। पर्सनली प्रेफर करूंगी रियल फ्लावर्स जो पानी में फ्लोट करें। इनफैक्ट फ्लावर्स एक कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड में उभर के दिखने के लिए व्हाइट एक्रिलिक कलर के कुछ ड्रॉप्स पानी में मिलाया, बाउल को इसी सॉल्यूशन से भर दिया। मेरे पास ये फ्लावर क्लिप था तो सोचा क्यों ना इसे सेंटर में यूज करूं। उप्स, सैडली ये डूब गया। इसको फ्लोट कराने के लिए ये फोम बोर्ड लिया, एक्सैक्टो नाइफ यूज करके किसी भी शेप में काटे। पहले सर्कल ट्राई किया फ्लावर को उसके ऊपर रखने के लिए। अब प्लेट पे रैंडमली कुछ और फेक फ्लावर से भर दें और बाद में एक स्क्वायर शेप फोम बोर्ड भी ट्राई किया। बड़े फ्लावर को बीच में रखें और उसके बॉर्डर पे फ्लावर्स पोक करें एक सिंगल यूनिट की तरह यूज करने के लिए। सिमिलरली दूसरे फ्लावर्स फ्लोट करने के लिए फोम बोर्ड के छोटे पीसेस लें और इंडिविजुअल फ्लावर से पोक करें और देखें कितने आराम से फ्लोट कर रहे हैं। उल्ली की हाइट बढ़ाना चाहें तो उसके नीचे कोई वास रख दें। मैं कुछ नया नहीं खरीदना चाहती थी, इसीलिए जो भी घर पर अवेलेबल था उसी से फिगर आउट कर रही थी। फाइनली डिसाइड कर लेने पर प्लेट के सिर्फ आउटर बॉर्डर एक्सेंट रॉक से भर दें, क्योंकि रॉक्स कम थे। सेंटर पे एक डॉली रखा, उसके ऊपर वास और सबसे ऊपर ये वुडन बाउल रखा जिसमें एक्रिलिक कलर और पानी का सोल्यूशन था और कुछ फेक फ्लावर्स। लाइटिंग इफेक्ट के लिए प्लेट में ये फ्लिकरिंग टी लाइट्स भी यूज किया, टोटल ऐसे चार यूज किए। और पानी में ये सबमर्सिबल टी लाइट्स भी यूज किया, बेटर ग्लो के लिए ऐसा चार यूज किया। अगर ये सबमर्सिबल लाइट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर फ्लोटिंग कैंडल्स रखें। देख सकते हैं रियल फ्लावर्स यूज करके ये कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहें तो कुछ पेटल्स पानी में भी स्प्रेड कर सकते हैं। एक रियलिस्टिक लुक के लिए मैंने टी लाइट्स को इन फेक फ्लावर से कवर कर दिया, जिनके लिए
रियल फ्लावर्स एक्सेसिबल नहीं है, ये फेक फ्लावर उर्ली डेकोर आपके लिए है, जो कि इक्वली अच्छा दिखता है और अनडाउटेडली आपके गेस्ट को एक प्लीजिंग वेलकम मिलेगा। इस दिया सेटअप के लिए कोई भी फ्लैट सरफेस ले या अपने किचन से कोई भी सर्कुलर या स्क्वायर प्लेट जो आपके काम आ सकता है। मैंने ये वुडन बोर्ड लिया, कुछ फेक फ्लावर्स, आप चाहे तो रियल फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ अपनी पसंद के और वो भी अपने प्रिफर्ड कलर में मिलना मुश्किल है, इसीलिए ये येलो और रेड फेक प्लास्टिक्स लिए। दिवाली के लिए है, इसीलिए स्ट्रिंग लाइट से एक लाइटिंग इफेक्ट दिया है। पहले सारे इंडिविजुअल फ्लावर्स को मेन स्टिक से सेपरेट कर दें, तभी ऐसे प्लास्टिक्स लें जिनमें छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स हों। अब या तो आप पहले पेंसिल से डायरेक्टली बोर्ड पे बॉर्डर मार्क करें जो अंदर लाइट्स फिट करने के लिए गाइड करें, या जैसे मैंने किया फ्लावर्स को दिया के शेप में रखें और स्कॉच टेप के छोटे स्ट्रिप्स चिपकाकर बॉर्डर फिक्स कर दें। अगर आप चाहें तो ग्लू यूज करके फ्लावर्स को डायरेक्टली बोर्ड पे चिपकाएं, पर इन फ्लावर्स और फ्रेम को दिवाली के बाद भी कोई और प्रोजेक्ट में यूज करना चाहती हूँ, इसीलिए इन्हें सिंपली फ्रेम पे रख दिया। सारे फ्लावर्स हटाने के बाद आप ये मार्कर्स यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। अब ध्यान से स्ट्रिंग लाइट्स को मार्कर के अंदर सेट कर दें और स्कॉच टेप के स्ट्रिप्स से फिक्स कर दें। आखिर में ऐसा दिखेगा। अब पहले जैसे दिखाया था वैसे फ्लावर्स से भर दें, और अगर फ्लावर्स कम पड़े तो आप ये जुगाड़ ट्राई करें, फ्लावर्स को सेपरेट लेयर्स में ओपन कर दें, जिससे आप कम फूल में भी गैप्स को अच्छे से भर सकते हैं एक भरा हुआ लुक देने के लिए। एक्चुअल दिया के फ्लेम से मैच करने के लिए दिया को रेड रखा है और फ्लेम को ऑरेंजिश येलो। आप डायरेक्टली इसे नीचे फ्लोर पे रख दें या कोई कंटेनर या स्टैंड यूज करें बेस के लिए, जिस पर फ्रेम रख सकते हैं, और एंजॉय करें अपना सिंपल येट यूनिक दिया डेकोर। बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियोस के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे अमेजिंग बजट फ्रेंडली डेकोर आइडियाज लाने के लिए। अगर मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना है तो लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये तोरण चेकआउट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, love you all.